सब्सक्राइब कीजिए देसी अनबॉक्सर को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। व्हाट्सअप गाइस, दिस मानव है। आज मैं लेके आया हूँ पोको एफ फोन का कवर और स्क्रीन गार्ड। ये स्क्रीन गार्ड मैंने चाइना से मंगाया है, यहाँ पे महंगा मिल रहा था तो मैंने सोचा पैसे बचाऊं, पर इसको आने में काफी टाइम लगा तो इसलिए आपको चाहें तो आप यहीं से मंगा सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। इसके फोन के साथ एक कवर आता है, सिलिकन कवर, ट्रांसपेरेंट। नॉर्मली फोन में थोड़ा व्हाइटिश आता है, थोड़ा ब्लैकिश डार्क शेड में है। इस कवर में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये बहुत लूज कवर है। जो मेरे पुराने फोन के साथ भी मैंने देखा तो उनमें कवर आते थे थोड़े हार्ड होते थे, ये देखिए जरा सा ही ऐसे ही करते ही कवर उतर जाता है। मेरे को नहीं लगता है सेफ्टी पर्पज के लिए बढ़िया पोको ने ऐसा फोन कवर क्यों बनाया है। एक और चीज थी कि इस फोन के साथ स्क्रीन गार्ड नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वन प्लस यूज कर रहा हूँ तो उसके अंदर आपको कंपनी की तरफ से स्क्रीन गार्ड जो प्लास्टिक का होता है, फिल्म होती है, वो आपको ला के देते हैं। ये मैंने टेम्पर्ड ग्लास अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, टेम्परेरी मैंने किसी और फोन का लगाया, जो कि जैसे कि ये गिरते ही क्रैक आ गए इसके, क्योंकि ये पूरा नहीं आ रहा था। तो एक और चीज इनको करनी चाहिए, इनको स्क्रीन गार्ड अपने साथ तो एटलीस्ट देना ही चाहिए। उसकी मार्केट वैल्यू अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पे तो 2-3 रुपए भी नहीं पड़ती, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लोगों को शुरू शुरू में फोन में स्क्रीन गार्ड मिलना मुश्किल होता है इसका, तो फोन की स्क्रीन में स्क्रैचेज आ सकती है। मेरे भी हल्के से स्क्रैच आ गए, इसलिए मैंने जल्दी से ही किसी और फोन का लगा लिया। तो आइए खोलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों पहले देखेंगे इसका कवर, ये भी सचिंग सिलिकन का ही कवर है, फोटो में तो सिलिकन का ही लग रहा था। जी हाँ, ये सिलिकन का कवर है, पीवीसी टाइप मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है। मेरे पास लास्ट फोन में भी सेम इसी ही टाइप का कवर था, थोड़ा डिजाइन अलग था पर ऑब्वियसली मटेरियल यही था। और वो पूरा मेरा कम से कम 1 साल उस फोन कवर में चलाया और फोन कवर में कोई भी दिक्कत नहीं आई। फोन बहुत बार गिरा, महंगे कवर लेने का ज्यादा फायदा होता नहीं है, अगर आप 200-400 रुपए तक के आप कवर ले सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। तो आइए मैंने अपना कवर उतारा है, इसमें फिट करके देखता हूं। एकदम बढ़िया फिट आ गया है, जैसे कि देख सकते हैं कि मैं इसे उतारने की कोशिश कर रहा हूं तो नहीं उतर रहा। फोन अगर रगेड भी है, हर जगह से सेफ है, स्क्रीन चार्जिंग पॉइंट भी पूरा है, स्पीकर भी ग्रिल पूरी आ रही है, बटन भी चल रहे हैं, वॉल्यूम बटन भी चल रहा है, हेडफोन जैक के लिए भी जैक है, और ऊपर ये सेंसर जो है एंटीना उसके लिए भी है। तो आइए टेम्पर्ड ग्लास भी खोल के देखता हूं कि क्या है। टेम्पर्ड ग्लास की पैकिंग तो बहुत ही बढ़िया मैंने करी है, तो उसे जैसे देखें सारी चीज मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, मुझे किसी ने रेकमेंड नहीं करा, अपने लिए पर्सनल लोग चीजें बढ़िया ही लेते हैं, तो आप भी ये आइटम मंगा सकते हैं एनी टाइम के। ये एक 9D कवर है, 5D कवर है सॉरी, पहले 3D चलते थे, 5D है, साथ में स्टिकर है, डस्ट रबर, ये वाइप्स हैं कुछ, ये है हमारा स्क्रीन कार्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे लिखा है 5D एच टू एच 9H ग्लास शील्ड हाई क्वालिटी कर्व गार्ड। ये थोड़ा सा कॉर्नर से कर्व्ड है, अब मैं देखूंगा तो जैसे कि ये इस पे उतार के देखना पड़ेगा मुझे। दोस्तों ये मेरा स्क्रीन गार्ड है, इसको मुझे उतारना पड़ेगा पहले, तो ये उतारने के लिए मुझे पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना टूटे उतरेगा नहीं। हाथ से उतारना थोड़ा रिस्की होता है, अगर आप ध्यान से उतारें तभी उतारें। देखिए एकदम से उतर गया, जैसे देख सकते हैं कि मेरे फोन पे हल्के से, देखिए अगर आपको नजर आए तो ये देखिए स्क्रैचेस हैं। स्क्रैचेस इसलिए है क्योंकि मेरे पास फोन का शुरू शुरू में स्क्रीन गार्ड नहीं था,
और इसलिए आई थिंक सबको यही दिक्कत आएगी जिनके पास, क्योंकि जब फोन लॉन्च होते हैं तो उनके स्क्रीन टच मिलना बड़ा मुश्किल होता है, जो जल्दी जल्दी सेल में खरीद लेते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा इश्यू है कि उनको मिलते ही नहीं स्क्रीन गार्ड, तो उसमें स्क्रैच आ जाते हैं, तो मुझे साफ करना पड़ेगा हल्का सा ताकि ये स्क्रैच प्रूफ हो जाए। मैंने टेम्पर ग्लास ज्यादा लगाए नहीं है, पर फिर भी मैं ट्राई मारूंगा इनको लगाने की। ये वेट वाइप है, अगर स्क्रीन पे कोई भी डस्ट वस्ट अगर मैल जमी हुई हो तो उसको साफ करने के लिए है ये। अब ये ड्राई वाइप है, जो जो भी ये वेट वेट है इसको हटाने की कोशिश करेगा, जो हटी रहा है थोड़ा बहुत। उसको टेम्पा का लगाना आसान होता है क्योंकि एक हार्ड हार्ड पीस होता है, पहले स्क्रीन गार्ड्स होते थे प्लास्टिक के जो आते थे वो लगाने बहुत ही मुश्किल होते थे, हर उसमें बबल्स आ जाते थे, इनमें बबल आने के चांस, इसमें भी आते हैं अगर ढंग से ना लगाएं तो बबल आने के चांस बहुत ही कम होते हैं। अब मैं अपना पर्सनल क्लॉथ यूज करूंगा, स्पेक्टिकल्स के शीशे जो है जो बहुत ही बढ़िया होते हैं क्योंकि जो शीशे साफ करने के लिए यही यूज होता है कपड़ा। आई थिंक क्लीन हो गया है काफी। तो ये है टेम्पर्ड ग्लास, अब इसका स्टिकर उतारा। अभी भी इसमें थोड़ी सी डस्ट है जो पैकिंग पेपर से आई होगी, जरा सी भी डस्ट आने से इसके अंदर थोड़ा, मेरा एरिया भी थोड़ा डर्टी है इसलिए जरा सी भी डस्ट आने से। तो दोस्तों जितना मेरे से साफ होता था उतना मैंने कर लिया है, अब मैं इसको लगाऊंगा। ये जो कर्व साइड यहाँ से एज है ये नीचे जाएगी, इसमें भी हल्के से आई थिंक डस्ट आ गए हैं। जैसे जैसे अपने आप ही फैल रहा है, इसको ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार फैल जाए तब आपको बता लेंगे कहाँ कहाँ पे बबल्स आ रहे हैं। और ये लग गया है आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से। अब दोस्तों ये लग गया मेरा स्क्रीन गार्ड बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।